हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका द टेक प्रो में और हमारी एक लेटेस्ट वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि रिसेंटली कार एक परचेज की थी, तो यहाँ पर समस्या ये आ गई है कि घर में खड़ी करता हूँ तो चूहे इसमें घुस जाते हैं, बाहर खड़ी करता हूँ तो भी इसमें चूहे घुस जाते हैं। और मैं चाहता नहीं, क्योंकि पुरानी कार में चूहों ने ना बहुत नुकसान किया था। तो वो गाड़ी के इंजन बे से अंदर आ जाते हैं और जो एसी के वेंट्स होते हैं ना उसमें जाके अपना जो है घर बना लेते हैं, अपना फैमिली प्लानिंग पूरी कर लेते हैं। और उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस है एसी की वो बहुत डाउन हो जाती है और उसके बाद वायरिंग जो है वायरिंग भी कट कर देते हैं। तो उसके लिए जैसा मैंने देखा, रिसर्च करी, तो बहुत सारे मुझे प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन अवेलेबल मिले। तो उसमें से एक ये प्रोडक्ट है जिसको मैंने मंगाया है। अब इसको मैंने खुद से मंगाया है क्योंकि मैं चाहता नहीं कि नई गाड़ी में कुछ नुकसान हो, क्योंकि वायरिंग की जो कॉस्ट है वो काफ़ी होती है। तो इसलिए मैंने इसको मंगाया है और मैं ये भी चेक करना चाहता था कि एक्चुअली में ये काम करता है या फिर ये एक कहते हैं ना कि एक पेड रिव्यूज सब जगह चल रहे हैं। तो ये चीज़ है। अब ये प्रोडक्ट जो है ये टॉम कैट कंपनी की तरफ से है, रैट स्प्रे है, रैट रिपेलेंट स्प्रे फॉर कार्स, तो ऐसा इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो इसमें जो है जो इन्होंने मेंशन किया वो ये है, नो किलिंग, नो ट्रैपिंग और नो पॉइजनिंग, मतलब इस तरीके का कुछ नहीं है। इससे सिर्फ चूहे जो है वो भागेंगे। तो ये जो है ये 200 ml के आसपास है, नॉन टॉक्सिक लिक्विड है। तो बॉक्स में आपको मिलेगा, एक स्प्रे कैन मिलेगी, ग्लव्स मिलेंगे और फेस मास्क मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है इसके अंदर मिलेंगी। इसका जो प्राइस है वो 599 इस पे मेंशन है और आपको 500 के आसपास मिल जाता है। तो मुझे लगा कि यार एक बार ट्राई तो करना चाहिए ना कि काम करता है कि नहीं। तो बड़ा दुख होता है यार, मतलब नई गाड़ी में हमसे पहले चूहे कब्जा करके बैठे हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है और इसके साथ एक पाइप भी दिया हुआ है जिससे कि आप थोड़े जो छोटी छोटी जगह होती है वहां पर स्प्रे कर सकते हैं। अभी हम इंजन बे में और जहां जहां पॉसिबिलिटीज हैं चूहे के आने वाली वहां पर इसको स्प्रे करेंगे। तो ये है और इसके अंदर आपको, मुझे लगा नहीं था कि ग्लव्स और ये सब चीज़ें भी होंगी, बट ठीक है, ये है फेस मास्क और पेपर वाले ग्लव्स मिलते हैं। यहाँ पर कुछ वर्डिंग्स भी लिखी है और अमेजोन की तरफ से एक कार्ड है जिसके अंदर कूपन वगैरह भी है और एक और कंपनी की तरफ से है। तो इसमें कुछ वार्निंग वगैरह लिखी हुई है, शेक द बोतल वेल बिफोर यूज और ओपन द कार बोनेट, स्प्रे इज एग्जैक्ट, मतलब जैसे भी आपको स्प्रे करना है वो आप कर सकते हो। प्रिकॉशंस के लिए यहाँ पर आपको ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है जब आप इसे अप्लाई करोगे। और तो इसको जब हमें अप्लाई करना है, जब इंजन जो है बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि ठंडा हो, मतलब गर्म नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि आप अभी गाड़ी चला के आए और उसके बाद आके फटाफट से बोनट खोल के इसको स्प्रे कर दो, तो वैसा नहीं करना है। तो इसको 6 से 8 घंटे पहले यूज़ करना है जब आपको गाड़ी स्टार्ट वगैरह करनी हो। तो मतलब मेरे हिसाब से तो इसको रात वगैरह में यूज़ करना चाहिए, जब आप गाड़ी खड़ी कर रहे हो, पार्क कर रहे हो, तब आप लगाओ। तो मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ, मैं इसको यूज़ करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखेंगे कि वहाँ पर कोई माउस वगैरह के ट्रेसेस हैं या फिर ये काम किया इसने नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें। चलो फटाफट से ग्लव्स वगैरह और मास्क वगैरह पहन लेते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं इसको स्प्रे करना और उसके बाद नेक्स्ट डे रिजल्ट भी देखेंगे। कॉम्बिनेशन हुई हुई है, इसके साथ एक पाइप भी मिलता है ये छोटा सा, और इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखो ये कैसे चीटे वीटे घूम रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, इसको यहाँ पे लगाना है स्प्रे से पहले ताकि जो छोटे एरियाज हैं वहाँ पे भी हम लगा पाए। तो ये हो गया तैयार, इसमें मास्क और ग्लव्स हैं वो भी पहन लेते हैं। हो सकता है जो इसकी स्मेल हो वो अच्छी ना हो, ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। तो दो मास्क हैं और दो ही ग्लव्स हैं, तो एक ग्लव्स मैं पहन लेता हूँ। तो ये सेटअप तैयार हो गया, अब चलिए बोनट खोलते हैं और इसमें दिखाता हूँ आपको चूहे। ये देखो नई गाड़ी है, सब कुछ एकदम साफ सुथरा है। यहाँ पे मैंने चूहे के लिए दवाई भी रखी थी, उसने ये नहीं खाई और पूरा ये गंदा कर गया। यहाँ पे ये देखो सब ट्रेसेस हैं उनके, और इधर भी ये देखो छोटे छोटे पैर। और जबकि मैंने इसमें सुबह ही साफ किया था और इसमें कपूर वगैरह की गोली भी मैंने डाली थी, ये देखो एक ये गोली ये रखी है। वैसे ही मतलब नीचे स्पेस है, तो
काफ़ी सारी गोलियां मैंने रखी थी लेकिन फिर भी आ ही जाते हैं। तो अब इसको मैंने अच्छे से शेक कर लिया है, अब इसको थोड़ा पहले उधर मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो वाला जो एरिया है, देखो ये जो पाइप जा रहा है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से वो घुसने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने लगा दिया और यहाँ पे भी देख सकते हो वो साइड में, वहां से चूहे ने मुझे कुतर दिया, तो उस पर भी मैं मार रहा हूँ। ऑल्दो इस पे लिखा हुआ है नॉन टॉक्सिक, बट काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है इसमें से, तो इसे मुझे थोड़ा बाहर करके लगाना पड़ेगा। तो इसको जहाँ जहाँ आपको लग रहा है वायरिंग वगैरह है वहाँ वहाँ आप लगा सकते हो उसको, ठीक है। स्मेल जो है स्ट्रॉन्ग है, देखो एक कोटिंग से क्रिएट कर देता है ये सब का, जहाँ जहाँ मैंने मारी वहाँ पे शाइनिंग से कोटिंग दिख रही होगी। तो स्मेल जो है वो बहुत हार्ड है इसकी, the next day. देखो माउस ट्रैप भी लगाया लेकिन यहाँ पे उसके फुटप्रिंट्स हैं, लेकिन वो नहीं है, ये देखो पूरा गंदा कर चुका है वो, ये देखो और यहाँ अंदर की तरफ तो पता नहीं दिख रहेगा कि नहीं, बट यहाँ पे भी गंदा किया हुआ है उसने, ये देखो जगह जगह ये गोली भी रखी हुई है, ये देखो सब जगह, ये देखो जगह जगह उसका पॉप है, कहाँ कहाँ ना जाने घुसा हुआ है, यहाँ गोली रखी हुई, कितनी दवाई मारी हुई है यहाँ पे, लेकिन फिर भी सारा गंदा कर दिया, ये देखो ये हाल है, ये देखो सब माउस ट्रैप भी रखा हुआ है, इस पे से आता है, इसी पे से आके चला जाता है और सब गंदा किया हुआ है, देखो कितना गंदा, यहाँ अंदर की तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ भी फुल गंदा है, देखो पूरा गंदा किया हुआ है, तो ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। और देखो मैंने अलग से गोलियाँ भी रखी हुई है, तो इस भूल में तो मत रहना कि इसके भरोसे गाड़ी चल जाएगी, नहीं ये तो बिल्कुल ही गंदा किया हुआ है, देखो ऊपर भी इसके फुटप्रिंट्स हैं सारे पे, पूरा गंदा किया हुआ है, अब पता नहीं कहाँ कहाँ डैमेज किया होगा, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ था तो यहाँ से काट के वो अंदर गया होगा, बाकी मैंने गोली देखो यहाँ पे रखी हुई है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जो फॉर्म है ये थोड़ा थोड़ा काटा हुआ है, सारे पे ट्रेसेस हैं, पूरे इंजन में अच्छे से मारा था मैंने, इधर उधर सब जगह, तो सब जगह घुसा हुआ हूँ, तो ये इफेक्टिव तो नहीं है भाई फॉर श्योर। द नेक्स्ट डे, हेलो दोस्तों, तो ये जो मंगाया था टॉम कैट कंपनी की तरफ से रैट रेपेलेंट स्प्रे, इसको मैंने अच्छे से लगाया गाड़ी के इंजन बे में, तो यहाँ पे क्या है ट्रेसेस हैं चूहे के, वो आराम से आए घूमे, केबल वगैरह तो कट नहीं करी लेकिन पूरा घूम के गए हैं और अच्छे से रह के भी गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह चूहों के आप देख सकते हो ट्रेसेस हैं, उनके पैरों के निशान हैं और चूहे की पोटी वगैरह भी पड़ी हुई है सब जगह। हालांकि मैंने यहाँ पर कपूर की गोलियाँ एक्स्ट्रा रखी थी और अलग से जो माउस को ट्रैप करने के लिए जो पैड आता ना वो भी मैंने लेके रखा था, तो इतनी सारी चीज़ें रखने के बाद और इस स्प्रे को मारने के बाद
फिर भी चूहे जो हैं आ रहे हैं। अब कोई कहेंगे कि चूहे आ रहे हैं पर नुकसान तो नहीं कर रहे, भाई कोई पता नहीं है, रात भर रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये उनके दांत खट्टे कर रहा है क्या कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने मतलब वीडियोस बनाई हुई है ना कि भाई पता नहीं क्या ही कर देता है ये, तो उस हिसाब का तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैंने दिखाया आपको इंजन बे में साइड में जो रबर्स वगैरह भी लगी हुई है ना वो भी थोड़ी सी कटी हुई है, तो वहां पर भी मैंने सब जगह इसको अच्छे से लगाया था, वो वीडियो आपने देख ही लिया है, तो मुझे तो नहीं लगा, वर्थ नहीं लगा मुझे 500 रुपए का, ये मतलब 500 550 का जो भी ये पड़ता है मुझे वर्थ नहीं लगा, और बहुत इफेक्टिव भी नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे यहाँ के जो चूहे हैं वो म्यूटेटेड हैं या अलग से ही उनके अंदर कोई सुपर पावर है, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा। मुझे ऐसे बहुत सारे हैं बिटर ट्रूथ और ऐसे करके बिटर स्प्रे और बहुत सारे ऐसे हैं स्प्रे अवेलेबल हैं जो कि इससे हाफ प्राइस पे मिलते हैं, तो ये वाला जो मैंने टेस्ट किया ये तो भाई नहीं निकला सही। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग परचेज करना चाहते हैं यूज करना चाहते हैं तो लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो आज की वीडियो में इतना ही, और बहुत सारे लोग हैं जो तंबाकू के साथ कपूर की गोली या इस तरीके के वो भी करते हैं, बट मुझे सबसे सही लगा कि वो आप जो गोलियां रखते हैं ना कपूर टाइप की वो मुझे सही लगी, वो रखो बस। बाकी देखते हैं और एक्सपेरिमेंट जो है जारी रहेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखते रहिए।